मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में समाज को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 हैवानों ने सड़क किनारे खड़ी युवती के साथ लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप किया। पीड़िता का आरोप है कि वो देर रात करीब 10 बजे हाईवे स्थित भरतपुर मोड़ पर खड़ी हुई थी, तभी कार सवार 3 युवक आए और लिफ्ट देने के नाम पर वृंदावन ले गए। आरोप है कार सवार तीनों युवक उसे एक गेस्ट हाउस में ले गए, जहां कुछ देर बाद ही उनके कुछ साथी और आ गए। इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह उसे गेस्ट हाउस पर ही छोड़कर भाग गए। आरोपियों के जाने के बाद जब उसने शोर मचाया तो गेस्ट हाउस का स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है, जिस पर 3 लोगों को उसने नामजद, 2 लोगों को अज्ञात पे तहरीर दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस लिए यहाँ पीड़िता आई थी, क्या कुछ पता चला है अभी तक? पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है दुष्कर्म की, उसके साथ उसकी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस गेस्ट हाउस और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सरस्वत की रिपोर्ट।